ये मैंने इसलिए नोटिस किया क्योंकि कई बार मेरा काम हुआ करता था जर्नलिस्ट के साथ. मोस्ट ऑफ माय वर्क यूज टू बी विद जर्नलिस्ट. मैं जर्नलिस्ट के साथ बहुत ज़्यादा क्लोजली काम करती थी क्योंकि कई बार क्या होता है ना, आपको जो भी पब्लिसिटी करनी होती है, जो भी आपको मीडिया में बताना रहता है, आपके थ्रू जो भी इंफॉर्मेशन पहुँचेगी वो एक जर्नलिस्ट के थ्रू ही पहुँचेगी, एक न्यूज़ चैनल के थ्रू ही पहुँचेगी. तो मैं उस चीज़ों के लिए जर्नलिस्ट के साथ काम करती हूँ. और कई बार जर्नलिस्ट क्या उठपटांग लिखते थे, तो जर्नलिस्ट को खींच के रखना पड़ता है, मतलब देख रही तू ऐसा कुछ नहीं लिखेगा, जो मैं बोलूँगी वो लिखेगा, ऐसा होता था. तो कभी कभार जो आर्टिकल्स आप न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं ना, वो मुझे ड्राफ्ट करने पड़ते थे, फिल्म उसके बारे में या फिर सेलिब्रिटीज के बारे में, वो सारे मुझे लिखने होते थे. और पुराने ज़माने में अगर मैं जस्ट 2 साल पहले चली जाऊँ, शायद वो काम काम को करने के लिए 2 दिन लगते थे. 2 दिन कैसे? क्योंकि अगर आपको एक आर्टिकल लिखना है, आपको उसके बारे में रिसर्च करनी पड़ेगी, फिर आपको अपना लैपटॉप खोलना पड़ेगा, आपको वो आर्टिकल लिखना पड़ेगा, आपको वो आर्टिकल्स अप्रूव कराने पड़ेंगे. और ये बहुत लंबा प्रोसेस था. ये मैं सिर्फ दो साल पहले की बात कर रही हूँ, सिर्फ 2 साल पहले. बट लास्ट ईयर एक टेक्नोलॉजी आई थी जिसका नाम है ChatGPT. क्या नाम है? और ChatGPT ने जो मेरा 2 दिन का काम था वो 5 मिनट का काम बना दिया. आप मानेंगे नहीं, मैं ChatGPT को सिर्फ बोलती थी कि सर देखो मेरे को इसके बारे में एक आर्टिकल लिखना है. मैं उसको इन्फॉर्मेशन देती थी कि मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन है, अब तू खुद आर्टिकल लिख दो. वो मेरे को एग्जैक्ट उतने ही वर्ड्स का आर्टिकल बना के देता था जितने वर्ड्स का मैं चाहती थी. ये शायद अभी आप लोगों को समझ में नहीं आया, बट क्योंकि ये मेरी नौकरी थी, मुझे डर लग रहा था कि शायद मेरी नौकरी आने वाले 5 साल में मेरी भी नहीं रहेगी. कहीं ना कहीं मेरे हाथ से कोई ना कहीं मेरी नौकरी ले जाएगा, कोई कंप्यूटर ले जाएगा, इंसान नहीं, कंप्यूटर मेरी नौकरी ले जाएगा. क्या सिक्योरिटी है इसका? पर जब मैंने ये चीज़ पापा के काम से कंपेयर की, मुझे समझ में आया डायरेक्ट सेलिंग ऐसा काम है जो कभी कोई कंप्यूटर कर ही नहीं सकता, आपकी नौकरी हमेशा आ गया. पूछेंगे नहीं क्यों, जानना नहीं है क्यों हाथ से नहीं जाएगी, बस मैंने तो बोल दिया. जानना है कितने लोगों को जानना है, डायरेक्ट सेलिंग कभी आपके हाथ से कोई ले ही नहीं सकता, कभी कोई कंप्यूटर आपके हाथ से ले ही नहीं सकता, क्योंकि कंप्यूटर को ह्यूमन इमोशन, ह्यूमन इंटरेक्शन, ह्यूमन डेवलपमेंट बनाना ही नहीं आता, उसको पता ही नहीं करते कैसे. और डायरेक्ट सेलिंग उसी का काम है. आप समझ रहे हैं कितना फ्यूचरिस्टिक काम है? जो चीज़ कभी कोई कंप्यूटर कर ही नहीं सकता, वो चीज़ आपके हाथ से कैसे जा सकती है? मेरा सिर्फ इतना सिंपल सा लॉजिक था कि मेरी नौकरी तो चली जाएगी. इस समय मैं बिल्कुल भी आर्थिक के बारे में सोच नहीं रही थी, डायरेक्ट सेलिंग के बारे में सोच नहीं रही थी, सच्ची बता रही हूँ. मैंने आपको ये भी बता दिया कि मैं आर्सिम को हेट करती थी, तो मतलब मैं सच्ची बता रही हूँ आप लोग, नहीं तो कोई आके बोलेगा नहीं मेरे को आर्सिम को नफरत करती हूँ, स्पेशली इन केस की डॉटर. मैं क्यों आके बोलूँगी, नहीं तो मेरे पापा मेरे को थप्पड़ लगाएंगे. बट सच्ची मैं सच बोल रही हूँ आप लोगों को, ये रियलाइजेशन मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था. और मेरे पापा हमेशा ऐसा बोलते हैं, लीडरशिप जो भी सेमिनार होती है उसके अंदर भी बोलते हैं कि एक लीडर को लीडर बनने के लिए फ्यूचरिस्टिक माइंडसेट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. और अगर आप अपने फ्यूचर के बारे में, अगर आप अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के बारे में ही नहीं सोच रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं? आप नौकरी ही मत कीजिए, क्योंकि कभी ना कभी कुछ ना कुछ तो आपके हाथ से चला जाएगा, कभी ना कभी कुछ ना कुछ होगा. चलो अगर कंप्यूटर ने आपकी नौकरी नहीं ली, तो कभी ना कभी अर्थक्वेक वगैरह तो हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. आपके हाथ में क्या है? वो चीज़ जब मेरे को समझ में आई कि कंप्यूटर धीरे धीरे मेरी नौकरी ले लेगी, तब मेरे दिमाग की बत्ती जली. वो थी मेरा सेकेंड रियलाइजेशन कि क्यों शायद मेरे पापा जो करते हैं वो अच्छा है. अभी भी बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचती थी कि मेरे को आर्टियम ही करना है, बिल्कुल भी नहीं. आप में से मुझे पता नहीं कितने लोग आए थे नेक्स्ट जनरेशन की मीटिंग में, कितने लोग आए थे? तो जितने भी लोग आए उन्होंने शायद वो मेरा नोट देखा है जो मैंने अपने आप को लिखा था एक जॉब करते हुए.
Yes. मैंने वो नोट लिखा था कि कुछ भी हो जाए जिंदगी में, मुझे पता है कि पैसे कमाने के बहुत सारे तरीके हैं, उनमें से वो एक तरीका जो कास्टिंग का वो मेरे लिए बना ही नहीं है, और मैंने ठान लिया था कि मैं वो करूंगी ही नहीं। पर फिर क्या हुआ ऐसा? ये था मेरा सेकंड रियलाइजेशन सिर्फ चैट जीपीटी और एआई के बारे में, और ये मेरे लिए बहुत बड़ा टॉपिक था। थर्ड चीज जब मेरे को रियलाइज हुई और मैंने अपना उससे दिमाग बना लिया कि आरसीएम ही करना है। कई बार क्या होता था, जब भी मैं पापा और मम्मी से मिलने वहाँ से बुलवाड़ा जाती थी, मुझे पापा है ना कई बार बोलते थे, मेरे को मेरे पापा ने कभी फोर्स नहीं किया आरसीएम करने के लिए। अगर आप लोगों को लग रहा है कि कभी फोर्स किया होगा, उनके इसलिए भी बोला होगा, करना तो सिर्फ आरसीएम है, ऐसा कभी नहीं हुआ मेरे। मुझे सिर्फ पापा ने सिंपल सा बोलते थे कि तू नौकरी करके देख ले, तू दो साल नौकरी करके देख ले, और तू तेरे को खुद को समझ में आ जाएगा शायद कि मैं जो करता हूँ वो शायद तू तेरे से अच्छा है। पर फिर एक दिन मेरे बॉस ने मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा चिल्लाया जिसके ऊपर मेरी गलती भी नहीं थी, और ये सब लोगों के साथ हो जाए जिसकी भी जॉब है, सब लोगों के साथ उनका बॉस बहुत खड़ूस रहता है, बहुत मतलब जो चीज़ों की ज़रूरत भी नहीं उसके ऊपर चिल्लाते हैं, सारे बॉसेस ही ऐसे होते हैं। और मैं आपको बता रही हूँ मेरा बॉस कोई और नहीं था, मेरे बॉस तो प्रियंका चोपड़ा, अनिल कपूर थे, ऐसे ये सेलिब्रिटी मेरे जॉब थे, ये सेलिब्रिटी मेरे बॉस थे। तो आपको क्या लगता है कि अगर वो मेरे को डांट रहे हैं तो मेरी लाइफ बहुत सिंपल सी बन जाती थी? ऐसा बिल्कुल भी नहीं, ये बहुत मास लेवल पे काम होता था, तो चीज़ें अगर थोड़ी सी भी गड़बड़ होती थी ना तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होता था। हालांकि उस दिन मेरी इतनी बड़ी गलती नहीं थी, पर मेरे बॉस ने मेरे ऊपर खूब चिल्लाया, और मुझे अच्छे से याद है, शायद पापा को भी याद होगा। ये सिर्फ आपको मार्च की बात बता रही हूँ, मार्च इस साल की बात बता रही हूँ। मैंने 12 o'clock रात में पापा को फ़ोन किया, क्योंकि मैं बाहर भी काम कर रही थी। मैंने पापा को फ़ोन किया, मैंने पापा को बोला पापा मज़ा नहीं आ रहा काम करने, मुझे अच्छा ही नहीं लगता, मैंने आपको काम करते हुए देखा, मुझे इतना अच्छा लगता है आपको काम करते हुए करकदार करते हुए देखते हुए, और मैंने बहुत ट्राई किया अपनी नौकरी से प्यार करने के लिए, बट मेरे से प्यार नहीं हुआ। मुझे ऐसा लगता है आप जो करते हो अच्छा ही है, तो क्या मैं उसको एक पॉसिबिलिटी बना लूँ, आरसीएम करने की एक पॉसिबिलिटी बना लूँ? पापा ने बोला अभी के अभी चाहे तो पेपर डाल दे और आरसीएम करना शुरू कर दे। और उसके बाद भी दिल से नहीं निकल रहा था कि हाँ मेरे को आरसीएम करना है, दिल से नहीं निकल रहा था। मार्च की बात ही बता रही हूँ, तभी पापा ने क्या बोला मेरे को फ़ोन पे कि देख भाई ऐसा कर, मैं 17 मार्च को नाला सुपा रहा हूँ, मेरी जॉब हुआ करती थी बॉम्बे में, तो मेरे को पापा ने बोला मैं 17 मार्च को नाला सुपा रहा आ रहा हूँ, ऐसा कर तू भी आता। आप मानेंगे नहीं, 17 साल मैं उसकी मीटिंग में जा रही हूँ पापा की, मुझे इतनी नफरत थी आपसे, मैं नाश्ते का चेहरा भी नहीं देखना चाहती थी। पर जब पापा ने मेरे को बोला कि आ जा मीटिंग में, तो मैं चली गई। मेरे को क्या सैटरडे संडे भी ऑफ नहीं मिलती थी, क्योंकि जर्नलिस्ट का पास साथ काम होता है ना, न्यूज़ तो हर समय छपती रहती है, तो मेरे को सैटरडे संडे भी ऑफ नहीं मिलता था। मैं अपनी जॉब से एक दिन की छुट्टी लेके गई और मैं पापा के साथ नाला